साथियों स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन यूट्यूब चैनल में। सो साथियों स्टार्ट हो चुका है आज का ये सेशन। जो भी साथी अभी तक आ चुके हैं जल्दी जल्दी से एक बार वीडियो को लाइक कर दें। और दोस्तों यहां पर अपन बहुत सारी चीजों को यहां पर पढ़ेंगे, बहुत सारे प्रश्नों को पढ़ेंगे। नीचे लिंक दी है सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप की, तो आप दोस्तों ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और जिन भी साथियों को अभी तक कोर्स नहीं लिया दोस्तों आपने, तो आप कोर्स जरूर ले लें, ठीक है। आप इस 9098692991 नंबर पर संपर्क करें और दोस्तों नोट्स अपने घर मंगवा सकते हैं। एक सप्ताह में आपके घर ये नोट्स भिजवाए जाएंगे, ठीक है। तो जिनको भी हिंदी साहित्य के नोट्स मंगवाना है एलटी ग्रेड के लिए, टीजीटी पीजीटी के लिए, आरपीएससी नेट आदि एग्जामों के लिए दोस्तों, ठीक है, मास्टर कैडर एग्जाम के लिए हिंदी साहित्य के जिनको भी नोट्स मंगवाना है वो मंगवा सकते हैं। और जिनको भी कोर्स में एडमिशन लेना है वो सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लें और दोस्तों एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। और ये पंजाब मास्टर कैडर की बात करें तो ये पंजाब मास्टर कैडर के मॉडल पेपर लॉन्च किए गए हैं। ये मॉडल पेपर में दोस्तों आप एडमिशन ले सकते हैं। 30 मॉडल पेपर, 4500 क्वेश्चन प्लस 2000 एक्स्ट्रा क्वेश्चन, तो कुल मिला के 6500 प्रश्नों का यहां पर आपको प्रैक्टिस करने को मिलेगी। साथ ही 4500 क्वेश्चन की पीडीएफ मिलेगी, ठीक है। तो जो भी हमारे साथी हैं, ऑफर चल रहा है दोस्तों, 15 अप्रैल से न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है 15 अप्रैल से, ठीक है। अभी ऑफर है 1200 में 12 महीने दोस्तों आप पढ़ सकते हो, निरंतर अध्ययन कर सकते हो, ठीक है। तो ये क्लास अपनी रोज 9 बजे होती है। आपका पहला प्रश्न यहां पर आ गया है कि क्वरबी भाषा का उदय किस से हुआ है, बताओ जल्दी से पटाख से एक बार लाइक कर दो, शेयर कर दो और बेल आइकन को जरूर दबा दिया करो ताकि इंफॉर्मेशन आपके घर तक पहुंचे, आपके मोबाइल तक पहुंचे, ठीक है। सुनील कुमार जी, निशा वर्मा जी, बबीता देवी जी, जल्दी से बताइए क्वरबी भाषा का जो उदय माना जाता है वो किससे माना जाता है, पश्चिमी हिंदी से, राजस्थानी से, पूर्वी हिंदी से, या फिर दोस्तों बताओ फटाफट से किससे माना जाता है। और एक बार जल्दी से लाइक भी कर दो, हमारे सभी साथी जितने भी आ चुके हैं और लगभग सभी लोगों को पता है कि सर इस जो प्रश्न का उत्तर है क्वरबी, क्वरबी यानी कि खड़ी बोली का दूसरा नाम है क्वरबी, ठीक है। और इसको क्वरबी नाम किसने दिया ये भी बताना है। और ये पश्चिमी हिंदी उपभाषा से इसका उदय माना जाता है, किसका, क्वरबी का। और अपन ने पढ़ा है कि कानों के खड़ी बुंदेली ब्रजभान हरि के पास, तो पश्चिमी हिंदी की ये ट्रिक भी अपन ने पढ़ी है, नोट्स में भी ऐसी ट्रिक समाहित की गई है, ठीक है। तो क्वरबी भाषा का उदय पश्चिमी हिंदी से माना और ये नंबर आपका बिल्कुल सही है। लेकिन एक क्वेश्चन आपके लिए है कि खड़ी बोली को जो क्वरबी नाम दिया, ये क्वरबी नाम किसने दिया, बताइए। मंजू यादव जी, रोली सिंह जी, जल्दी से बताना है भाषा विज्ञान की दृष्टि से हिंदी किस प्रकार की भाषा है, चयन करिए जल्दी से। कमलजीत जी, रीना मंडयाल जी, सोनी राय जी, दो नंबर का क्वेश्चन है कि भाषा विज्ञान की दृष्टि से किस प्रकार की भाषा है हिंदी, फटाक से बताइए, जल्दी से लाइक करिए, फटाक से करिए जल्दी से। भाषा विज्ञान की दृष्टि से क्वरबी के बारे में बताना है और क्वरबी जो हिंदी जो है ये वियोगात्मक मानी जाती है, वियोगात्मक, ठीक है। तो आपका उत्तर एक की तरफ चला जाएगा, ये नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है, ये नंबर सही हो जाएगा, राइट आंसर। नेक्स्ट है, भक्ति आंदोलन को ईसाइत की देन किसने माना है, भक्ति आंदोलन को ईसाइत की देन किसने माना है, क्वेश्चन है। ग्रियर्सन ने, रामचंद्र शुक्ल ने या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, भक्ति आंदोलन को ईसाइत की देन किसने माना, ईसाइत की देन किसने माना है, ये क्वेश्चन बढ़िया सा आपसे पूछा गया है और आपका देखते हैं उत्तर कहां जा रहा है। भक्ति आंदोलन को ईसाइत की देन किसने माना, लाइक करना है और सभी लोगों का आंसर आ गया कि सर ग्रियर्सन ने माना भक्ति आंदोलन को ईसाइत की देन, क्वेश्चन कई बार आ चुका है, ठीक है। तो बिल्कुल राइट आंसर लगा है आपने ये नंबर। भारतेंदु युग का अन्य नाम क्या है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, भारतेंदु युग का एक अन्य नाम क्या माना जाता है, बताएं जल्दी से, सुधार काल, पुनर्जागरण काल, नवोत्थान युग या फिर नवीन युग, बताओ। प्रियंका यादव जी, नोट्स किन किन साथियों को नोट्स मंगवाना है जल्दी से बताना है। और यहां पर चार नंबर का क्वेश्चन है, चार का उत्तर है कि सर इसको पुनर्जागरण काल कहते हैं, क्या कहते हैं, पुनर्जागरण काल, यानी कि बी नंबर जिनने भी चयन किया है उनका आंसर बिल्कुल सही है, बी नंबर आपका राइट आंसर है। भारतेंदु का राष्ट्रभक्ति परक नाटक कौन सा है, भारतेंदु का राष्ट्रभक्ति परक नाटक कौन सा है, अंधेर नगरी है,
दुर्लभ बंधु है, विशस है, विश्वमोषधम है, या फिर दोस्तों विद्या सुंदर है। चयन करिए, पांच नंबर का क्वेश्चन है, लाइक करना है, एक बार जल्दी से बताएं। नीचे लिंक दी है सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप की, ठीक है। लवली माता रानी, बीनू जी जल्दी से बताओ, पांच नंबर का क्वेश्चन है और ये भारतेंदु जी का राष्ट्रभक्ति परक नाटक कौन सा है, और बिल्कुल सही बताया है कि सर ये जो है ये विशस विश्वमोषधम है, और ये विशस विश्वमोषधम क्या है, विशस विश्वमोषधम क्या है, रूपक के भेद आपने पढ़े हैं, रूपक के कितने भेद होते, 10, तो 10 भेदों में विशस विश्वमोषधम क्या माना जाता है, बताएं। सीताराम जी, लेट्स प्ले जी, जल्दी से बताना। आचार्य शुक्ल ने हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी किसे माना है, रचना काल भी बताना है आपको। बीनू सरोज जी, ज्योति शर्मा जी, फटाफट से बताएं, 6 नंबर का क्वेश्चन है, लाइक करना है। संतोष कुमार जी, चयन करिए और एक बार शेयर भी कर दीजिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी किसे माना है, ये बढ़िया सा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, और एक बार जल्दी से लाइक कर दो, अपने मित्रों तक शेयर भी कर दो। 6 नंबर का क्वेश्चन है, और 6 नंबर के क्वेश्चन में आपका राइट आंसर जा रहा है कि सर इंदुमती। रचना काल क्या है, 1900 ईस्वी, ठीक है। तो आपका जो सी नंबर है वो बिल्कुल सही है, ठीक है। महादेवी जी ने अपने समकालीन साहित्यकारों के रेखा चित्र किस में प्रस्तुत किए हैं, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, यहां पर आना है। महादेवी जी ने अपने समकालीन साहित्यकारों के रेखा चित्र किस में संकलित किए, अतीत के चलचित्र में, पथ के साथी में, बताइए, स्मृति की रेखाएं। बाल गोविंद जी लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने मित्रों तक। महादेवी वर्मा जिनका जन्म 1907 में हुआ था, छायावाद के 4 आधार स्तंभों में एक महादेवी वर्मा जी भी है, ठीक है। और 7 नंबर का क्वेश्चन यहां पर जा रहा है, कहां जा रहा है कि सर पथ के साथी, बी नंबर, पथ के साथी राइट, बिल्कुल सही है। जंजीरें और दीवारें ये किसका संस्मरण है, जंजीरें और दीवारें ये किसका संस्मरण है, लाली यादव जी, अनुपम जी, पंकज सिंह जी। प्रश्न क्रमांक 8 नंबर का क्वेश्चन है, और 8 में आपको सही है कि सर हम वृक्ष की जंजीरें और दीवारें बनाएंगे, काय की बनाना है, वृक्ष की दीवारें और जंजीरें बनाना है, तो जंजीरें और दीवारें राम वृक्ष बैनीपुरी, यानी बी नंबर आपका करेक्ट आंसर है, राइट आंसर है। हिंदी में रिपोर्टाज विधा के जनक कौन माने जाते हैं। 9 नंबर का क्वेश्चन, किरण गुप्ता जी, बलजीत कुमार जी, ममता श्रीवास्तव जी, प्रश्न क्रमांक 9 है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। और ऐसे कितने साथी हैं जिन्होंने अभी तक एडमिशन नहीं लिया, अभी बढ़िया ऑफर है, 15 अप्रैल से न्यू बैच स्टार्ट है, 10 अप्रैल तक ऑफर है, 1200 में 12 महीने तक, 10 अप्रैल तक है, ठीक है। तो जिनको भी एडमिशन लेना वो एडमिशन ले लें, जिनको भी नोट्स मंगवाना अपने घर पर वो नोट्स मंगवा सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। हिंदी में रिपोर्टाज विधा के जनक कौन माने जाते हैं, एक अच्छा सा क्वेश्चन है, और 9 नंबर का क्वेश्चन है, और आपने बताया कि सर रिपोर्टाज विधा के जनक है सिद्धांत सिंह चौहान, जिनका रिपोर्टाज है कौन सा, बताइए जल्दी से कौन सा है। वाद विवाद संवाद ये किसकी रचना है, वाद विवाद संवाद ये किसकी रचना है, रामविलास शर्मा की, नामवर सिंह की, डॉक्टर नगेंद्र की, नंदुलारे वाजपेयी की, अमन जी बताइए, रंजीत जी, कौर जी। 10 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट ने दोस्तों ये नोट्स मंगवा लिए हैं और उनके घर भी पहुंच गए हैं, कितने साथी हैं यहां पर जिनके नोट्स घर तक पहुंच गए हैं, जल्दी से बताइए कितने साथियों के नोट्स घर तक पहुंच गए हैं, बाकी के सभी साथियों के लिए बताइए नोट्स किस प्रकार के हैं, ये भी आपको बताना है। बताओ आपने नोट्स मंगवाए और आपको नोट्स कैसे लगे, ये भी आपको कमेंट में बताना है, बाकी के सभी साथियों को, ठीक है। वाद विवाद संवाद 10 नंबर का क्वेश्चन है, और 10 का आपका राइट आंसर है कि सर वाद विवाद काय के लिए करते हैं, वाद विवाद लोग नाम के लिए, बोले मेरा नाम बोल दो सर, मेरा नाम बोल दो, तो वाद विवाद करते हैं ना नाम के लिए, तो नाम बार से है, बिल्कुल सही है। कौन सी लिपि प्राचीन भारत में दाई ओर से बाई ओर लिखी जाती थी, वो लिपि कौन सी है, ये आपको बताना है। ब्राह्मी लिपि है, शारदा लिपि है, खरोष्ठी लिपि, या फिर नंद नागरी लिपि, कौन सी लिपि है जो दाई से बाई ओर लिखी जाती थी प्राचीन भारत में। वीरेंद्र प्रजापति जी, सभी लोग बताएंगे। 11 नंबर का क्वेश्चन है यहां पर, बताइए चंचल जी,
लखविंदर कौर जी, प्रश्न क्रमांक 11 में आपको राइट चयन करना है। पूर्वी जी, डॉक्टर रिंकी जी, 11 नंबर का क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। और आपको पता है क्वेश्चन कई बार आया कि जो खरोष्ठी है दोस्तों, ये अपन अभी क्या लिखते, देवनागरी को बाएं से दाईं ओर लिखते हैं, लेकिन खरोष्ठी दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी, यानी कि इस ओर से इस ओर लिखी जाती थी। ठीक है, तो यहां पर आपका उत्तर सी नंबर बिल्कुल सही चला गया। ठीक है, सी नंबर। हिंदी गद्य की प्राचीनतम रचना कौन सी है? हिंदी गद्य की प्राचीनतम रचना कौन सी है ये आपको बताना है, ये आपको चयन करना है। बताइए, विजय चौहान जी, बीनू सरोज जी, कुमकुम यादव जी, 12 नंबर का क्वेश्चन, हिंदी गद्य की प्राचीनतम रचना कौन सी है? एक अच्छा क्वेश्चन, 12 नंबर का क्वेश्चन है। और आपका उत्तर जा रहा है कि सर, हिंदी गद्य की प्राचीनतम जो रचना मानी जाती है वो कौन सी मानी जाती है? बताएं ज्ञानेश जी, क्या हो जाएगा? नीतू जी, ऑल इन वन, बताओ 12 नंबर का क्वेश्चन। और उत्तर है चंद छंद वर्णन की महिमा। ठीक है, डी नंबर लगा दिया आपने, बिल्कुल सही आंसर आ गया, डी नंबर। ठीक है, वंदना यादव जी, है ना, बिल्कुल सही बताया। लेकिन यह भी बताना है आपको कि इसकी रचनाकार कौन है, चंद छंद वर्णन की महिमा, ये रचना किसकी है? प्राचीनतम गद्य की रचना मानी जाती है। और हिंदी साहित्य की नींव का पत्थर किसे कहा जाता है? बहुत ही बढ़िया ऐसे क्वेश्चन आपको पढ़ना है। कमला कांत जी, विजय जी, उदय यादव जी, बताए राम राम जी, गौरी जी, बताए। प्रश्न क्रमांक 13 नंबर का क्वेश्चन है। लाइक कर दो, नीचे लिंक भी दी है सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप की, तो आप लोग ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल दोस्तों, एलटी ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आरपीएससी, या फिर टीजीटी, पीजीटी, या मास्टर कैडर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, रेगुलर अध्ययन करते रहे और कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। 15 अप्रैल से न्यू बैच स्टार्ट, 10 अप्रैल तक ऑफर है 1200 में 12 महीने का। ठीक है, 1200 में 12 महीने। और दोस्तों, न्यू का पत्थर 13 नंबर का क्वेश्चन, और 13 नंबर का क्वेश्चन है कि द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, इसको क्या कहा जाता है, न्यू का पत्थर। ठीक है, इसके रचनाकार कौन है? ग्रियर्सन। रचना काल क्या है, जल्दी से बताइए, फटाफट से बताइए। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बलजीत जी बता रहे हैं कि सर बहुत ही बढ़िया नोट्स हैं। तो यहां पर बताना है कि जो किसी एक बुक में नहीं मिलेंगे, किसी पांच बुक में नहीं मिलेंगे, है ना, ऐसी कई पुस्तकों का एक संकलन करके वो बनाया गया, और पूरा बढ़िया तरीके से बनाया गया। बीच बीच में ट्रिक भी, जहां जैसी ट्रिक निकलती गई तो ट्रिक भी उसमें समाहित की गई है। ठीक है, और बढ़िया तरीके से रचनाओं को क्रमबद्ध पेश किया गया, एक एक कवियों का परिचय भी दिया गया। ठीक है, ऐसे बढ़िया तरीके से नोट्स बनाए गए हैं जिनको आप अपने घर मंगवा सकते हैं, एक सप्ताह के अंदर आपके घर वो नोट्स पहुंच जाएंगे। दोस्तों, भक्ति काव्य को भारतीय चिंताधारा का स्वाभाविक विकास आपको बताना है, जल्दी से बताइए राइट आंसर। भक्ति काव्य को भारतीय चिंताधारा का स्वाभाविक विकास किसने कहा? तो बोले सर, स्वाभाविक विकास तो हजारों बार होता है, स्वाभाविक विकास हजारों बार, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी, यानी बी नंबर आपका करेक्ट और राइट आंसर है, बी नंबर सही है। नेक्स्ट है, स्वर्ग की विचार सभा का अधिवेशन निबंध कृति के लेखक कौन है? स्वर्ग की विचार सभा, बताओ, का अधिवेशन ये बताना है एक बार, और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए सभी साथी। यहां पर 15 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, और बिल्कुल लगभग सभी लोग सही बताएंगे यहां पर, जल्दी जल्दी से बताइए। और सभी लोगों ने बताया कि सर, इसमें स्वर्ग की विचार सभा तो भारत में ही होगी, यानी भारतेंदु। ठीक है, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। आधुनिक खोजों के अनुसार हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी के लेखक कौन है? कहानी के लेखक कौन है? आपको ये भी बताना है कि आधुनिक खोजों के अनुसार हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी कौन सी है, और उसके लेखक कौन है? विकास भारती जी, बताइए राइट आंसर क्या है यहां पर, सही आंसर सभी लोग बताएं। स्वानू के एम जी, स्वानू जी, आपने नोट्स मंगवाए हैं, कैसे लगे आपको नोट्स, जल्दी से बताओ। आधुनिक खोजों के अनुसार हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी कौन सी है, और उसके लेखक कौन है, ये आपको बताना है। ओम प्रकाश जी, आपका राइट आंसर है कि सर, माधव राव सप्रे, एक टोकरी भर मिट्टी से सप्रे। शिवानी ठाकुर जी के नोट्स पहुंच गए हैं, और लिख रहे हैं कि सर, सभी बुक्स में क्यों खोजें अगर एक ही में मिल जाए, इधर उधर क्यों भटकें जब सेल्फ स्टडी क्लासेस नोट में सब कुछ मिल जाए। बहुत बढ़िया शिवानी जी, मतलब अच्छे लगे आपको नोट्स, मजा आ रहा है पढ़ने में। आधुनिक खोजों के अनुसार हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी है,
एक टोकरी भर मिट्टी, जिसके रचनाकार है माधवराव सप्रे, यानी कि आपका जो डी नंबर है वो बिल्कुल सही है। स्वतंत्र रमा और परतंत्र लक्ष्मी उपन्यास के लेखक कौन है? बताना है गोपाल राम गहमरी है, देवकी नंदन खत्री, लज्जाराम मेहता या फिर श्रद्धा राम फिल्लोरी। 17 नंबर का क्वेश्चन है हर्षिता मौर्य जी, जल्दी से आपको चयन करना है। ज्योति ज्योति जी बताइए 17 नंबर का क्वेश्चन राइट आंसर क्या है यहां पर, और उत्तर चला जाएगा स्वतंत्र रमा और परतंत्र लक्ष्मी। मैंने आपको कई बार अभी बताया है उपन्यास है, और इस उपन्यास के जो लेखक माने जाते हैं कि सर स्वतंत्र रमा और परतंत्र लक्ष्मी, परतंत्र लक्ष्मी को परतंत्र बनाए हुए हो, लज्जा नहीं आती उमाशंकर जी, लज्जा नहीं आती, बोले सर लज्जाराम मेहता, यानी कि आपका जो डी नंबर है वो बिल्कुल राइट आंसर है। कालीचरण किस उपन्यास का पात्र है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। 18 नंबर के क्वेश्चन में बताना है जगदीश जी सही आंसर यहां पर क्या है। 9 बजे रोज रात्रि क्लास होती है, पेड क्लासें रोज होती हैं शाम को 5 बजे से 5:40 तक, 6:30 से 7:10 तक, हर संडे को टेस्ट होता है। और दोस्तों अब हम एक व्याकरण का टेस्ट भी चालू कर रहे हैं कल सोमवार से। आपको दोस्तों अभी तक बहुत सारे व्याकरण, एक टेस्ट रोज आएगा, एक टेस्ट रोज आने वाला है किसी ना किसी प्रकार से। सोनू जी लिख रहे हैं अच्छे हैं गुरु जी, अभी तक ऐसा नोट्स नहीं देखा, जितनी तारीफ करें उतनी ही कम है, बहुत बढ़िया सोनू जी। तो कालीचरण किस उपन्यास का पात्र है ये आपको बताना है। 18 नंबर का क्वेश्चन है, और 18 नंबर के क्वेश्चन में उत्तर आपको बताना है कि सर ये मैला आंचल, मैला आंचल जो कि हिंदी का प्रथम आंचलिक उपन्यास है, इसके रचनाकार फणीश्वरनाथ रेणु हैं, जो कि हिंदी के प्रथम आंचलिक उपन्यासकार हैं, ठीक है। अब जो मैला आंचल है ये बताना है कि किस गांव से संबंधित है, ये भी बताना है। कालीचरण ये इसका पात्र है, मैला आंचल का पात्र है दोस्तों, ठीक है। पंडित बालकृष्ण भट्ट ने सच्ची समालोचना शीर्षक से, सच्ची समालोचना शीर्षक से किस ग्रंथ की आलोचना की, किस ग्रंथ की आलोचना की है ये आपको बताना है। प्रश्न क्रमांक 19 का सभी साथी, जितने भी साथी हमारे पैड वाले साथी हैं, कुछ दिन के लिए आपके लिए दोस्तों हर रोज एक टेस्ट मिलेगा, हर रोज एक टेस्ट मिलेगा, ठीक है। तो बिल्कुल हर रोज एक टेस्ट मिलेगा, उसको भी आपको करना इसी 1200 वाले कोर्स में, ठीक है। अभी आपका हर संडे को टॉपिक वाइज टेस्ट होता है कि जितना सप्ताह भर में पढ़ाया जाता है वो आपको टेस्ट मिलता है, लेकिन एक बार रिवीजन टेस्ट होना है, रिवीजन टेस्ट होना है, तो सभी लोग तैयार रहें, ठीक है। रिवीजन टेस्ट के लिए तैयार रहें और रिवीजन टेस्ट सभी को लगाने हैं। रोज एक टेस्ट आएगा रिवीजन टेस्ट, सभी लोग उस टेस्ट को लगाएंगे, ठीक है। तो यहां पर 19 नंबर का क्वेश्चन है, 19 नंबर में बताना है कि सर संयोगिता स्वयंवर यानी कि डी नंबर, इसकी दोस्तों इन्होंने सच्ची समालोचना शीर्षक से, है ना, तो ये आपका डी बिल्कुल सही है। कुरु कुरु स्वाहा उपन्यास के लेखक कौन है? बहुत ही बढ़िया, बाहुबली कटप्पा जी आ गए हैं। कुरु कुरु स्वाहा, जब हवन होता है दोस्तों तो आप मंत्र आदि पढ़े जाते हैं तो आप क्या करते हो, कुरु कुरु स्वाहा कैसे बोलते हो, बड़े जोश में बोलते हो, जोश में बोलते हो, तो इस उपन्यास के लेखक कौन माने जाएंगे बताइए, कौन माने जाएंगे बताएं। राहुल राज जी कुरु कुरु स्वाहा, बोले सर हम बड़े जोश में बोलते हैं, जोश में बोलते हैं और बड़ा मनोहर मनोहर लगता है, मनोहारी दृश्य लगता है, तो मनोहर श्याम जोशी कुरु कुरु स्वाहा। सी नंबर, अपनी आत्मकथा को स्मृति यात्रा यज्ञ किसने कहा? 21 नंबर का क्वेश्चन है, अपनी आत्मकथा को स्मृति यात्रा यज्ञ किसने कहा है प्रियंका जी? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, 21 नंबर का क्वेश्चन है, सभी लोग बताएंगे। और एक बार लाइक करके शेयर जरूर किया करो, अपने मित्रों तक जरूर बता दिया करो कि 15 तारीख से सेल्फ स्टडी क्लासेस में एक नया बैच स्टार्ट हो रहा है, जिसको भी हिंदी साहित्य विस्तृत पढ़ना है वो पढ़ सकते हैं। ऑफर 10 तारीख तक है, 1200 में 12 महीने निरंतर अध्ययन करने के लिए, ठीक है। तो अपनी आत्मकथा को स्मृति यात्रा यज्ञ किसने कहा ये आपको बताना है। यहां 1200 में 12 महीने पढ़ने का मौका आपको मिल रहा है, और आप स्कूलों में जाते हैं अपने बच्चे की फीस 1200 एक महीने की भर के आते हो, भर के आते हो कि नहीं आते हो, 1200 क्या ज्यादा भर के आते हो, ठीक है। और यहां आप अपने लिए इतना भी नहीं कर पाते कि हम 1200 में 12 महीने पढ़ने को मिला, आपको 5000-10000 फीस नहीं भर रही, दूसरी कोचिंग में जाओगे इतनी मस्त तरीके से भी नहीं पढ़ाया जाएगा, उठाएंगे किताब लिखवा देंगे आपको और बोले याद करते रहो, और यहां पर लिखने पर जोर नहीं दिया जाता, यहां पर तो क्लास में याद करने पर जोर दिया जाता है कि जितना पढ़ाया जाए
उसका 50% तो क्लास में ही याद होना चाहिए। ये यहां पर दोस्तों किया जाता है। तो यहां पर 21 नंबर का क्वेश्चन है और आपका उत्तर है हरिवंश राय बच्चन ने अपनी आत्मकथा को, इनकी आत्मकथा 4 भागों में दोस्तों प्रस्तुत है। हरिवंश राय बच्चन जिनका जन्म 1907 में हुआ था, हालाबाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। छह रोमांस का कवि इन्हें कहा जाता है। माटी हो गई सोना रेखा चित्र के लेखक कौन है, जल्दी से आपको चयन करना है। माटी हो गई सोना किसका रेखा चित्र है दोस्तों, पदम सिंह का, हरिभा उपाध्याय का, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का, या फिर विनोबा। 22 नंबर में चयन करिए निशा जसबीर जी, माया राम जी, बताना है जल्दी से। एग्जाम आते रहेंगे जाते रहेंगे, पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए, पढ़ाई निरंतर चालू रहनी चाहिए। एग्जाम आते रहेंगे, आप लोग क्या करते हो, एक एग्जाम आया 2 महीने पढ़ लिया, 4 महीने छोड़ दिया, ज्यों का त्यों, लेकिन एग्जाम आते रहेंगे जाते रहेंगे और सेल्फ स्टडी क्लासेस में निरंतर पढ़ाई चलती रहेगी आप लोगों की, ठीक है। निरंतर पढ़ाई करोगे तो अध्ययन बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है। माटी हो गई सोना, बोले सर कन्हैया के चरण पड़ गए तो हमारे घर की माटी भी सोना हो गई, कन्हैया के चरण। तो यहां पर कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, सी नंबर। आचार्य भरत के रस सूत्र के प्रथम व्याख्याता कौन है, इनमें से बताइए, सभी लोग बताएंगे। राइट आंसर कमला कांत जी, प्रियंका यादव जी। 23 नंबर का क्वेश्चन है, सभी को आपको बताना है दोस्तों, लाइक कर देना है। इतना सारा मटेरियल आपको कोई भी चैनल वाला नहीं देता, कोई नहीं देता जितना दोस्तों सेल्फ स्टडी क्लासेस में आपको निरंतर अध्ययन करवाया जाता है। एक एक चीज को 10-10 बार पढ़ा दी जाती है ताकि आप कभी भूलो ना, ऐसी चीजें दोस्तों, एक एक चीज को कई बार रटवाई जाती है, कई बार पढ़वाई जाती है, अभ्यास करवाया जाता है, क्योंकि प्रैक्टिस से ही आपका दोस्तों बहुत कुछ होता है। प्रैक्टिस से ही आपके जो 4-5 नंबर से सिलेक्शन रुकता है वो आपके लिए दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आचार्य भरत के रस सूत्र आपने पढ़ा होगा, किसी को पता है तो जल्दी से एक बार रस सूत्र लिख दो। 23 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन यहां पर पूछा गया है और सभी लोगों का आंसर आया कि सर भट्ट लोलट में इसमें नंबर लगा दो, ये नंबर आपका सही है। जनता जनार्दन एक ही तरफ जा रही है, बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य इनमें से कौन है, 24 नंबर का क्वेश्चन है। अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य कौन है, भरत मुनि है, भामय है, भामय है, जल्दी से बताना। आराधना पाल जी संपर्क कर सकती हो, नीचे नंबर लिखा है, सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप की लिंक दी है, लिंक से आप ऐप डाउनलोड कर लो पहले तो, ठीक है। तो यहां पर अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक आपको चयन करना है। निरंतर अध्ययन करिए दोस्तों, अगर सफलता चाहिए तो निरंतर अध्ययन करिए। निरंतर अध्ययन करोगे तो कुछ ना कुछ सीखोगे, और कुछ ना कुछ क्या, बहुत कुछ सीखोगे, ठीक है। तो यहां पर 24 नंबर का क्वेश्चन है, उत्तर है कि सर अलंकार, अलंकार तो भामा साह करते हैं, अलंकार कौन करते, भामा साह करते हैं, तो भामा है, यानी कि अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक भामा माने जाते हैं, यानी कि आपका जो बी नंबर है बिल्कुल सही है। हिंदी साहित्य का प्रथम स्वच्छंदतावादी कवि कौन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन, प्रथम स्वच्छंदतावादी कवि कौन माना जाता है, बताइए रूगा जी बताएं, राइट आंसर बताना है। राहुल राज जी क्या हो जाएगा, गैमिंग बर्ड जी, आशा जी, कटप्पा जी, बताइए फटाफट से बताइए राइट आंसर। 25 नंबर का क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य का प्रथम स्वतंत्रतावादी कवि कौन है, ये अच्छा क्वेश्चन पूछा गया, 25 नंबर का क्वेश्चन, और सीधा सीधा आंसर जा रहा है कि सर हिंदी साहित्य के प्रथम स्वतंत्रतावादी कवि की बात करोगे श्रीधर पाठक। कोई बताएगा इनका जन्म कब हुआ था, मैंने कई बार आपको बताया है ना, इन्होंने दोस्तों जिन 3 रचनाओं का अनुवाद किया था वो रचनाएं कौन कौन सी है ये भी बताना है, और किसका अनुवाद किस नाम से किया है ये भी आपको बताना है, मैंने कई बार याद करवाया है। इस्तवार दाला रेतुत्र हिंदुस्तानी ग्रंथ के लेखक कौन है बताओ, इस्तवार दाला रेतुत्र हिंदुस्तानी। दोस्तों सबसे पहले ये जो ग्रंथ है फ्रेंच भाषा में प्रकाशित हुआ 1939 में, ये दोस्तों ये याद कर लेना है, 1939 की 1839 में इसका प्रथम भाग, द्वितीय भाग 1847 में, और इसका द्वितीय संस्करण जो आपसे पूछा गया था 1871 में, 1871 में इसका द्वितीय संस्करण प्रकाशित हुआ था जो आपसे पूछा गया था क्वेश्चन, ठीक है। और ये जो है फ्रेंच भाषा, यानी कि आपका जो दोस्तों सी नंबर है, ये फ्रेंच विद्वान थे कौन, गार्सा दत्तासी, ठीक है, और यहां पर सी नंबर करेक्ट और राइट आंसर है। हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रभास, इसमें कितने सर्ग हैं, इसके लेखक भी बताना है, प्रिय प्रभास के लेखक भी आपको ही बताना है,
जल्दी से बताइए, कमेंट करते रहिए, लाइक शेयर करते रहिए, सेल्फ स्टडी क्लासेस परिवार से हमेशा जुड़ते रहिए। निरंतर अध्ययन के लिए दोस्तों आप कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं 1200 में 12 महीने का, एक बहुत ही नॉर्मल प्राइस के लिए दोस्तों ये कोर्स रखा है, ताकि आपका भी अध्ययन चले और हमारा भी दोस्तों क्या चले, हमारा भी ये संस्थान चलता रहे। इतना बहुत ही कम प्राइस में रखा है, ठीक है। बहुत सारे बच्चों को वो आता है कि सर इतना कम प्राइस में आपने कोर्स क्यों रखा है, तो हमें पता है दोस्तों, क्योंकि मैंने भी जिस परिस्थिति से बहुत सारे साथी गुजरते हैं उस परिस्थिति से मैं भी गुजरा हूं। आप अभी 1200 में एडमिशन ले सकते हैं, निरंतर अध्ययन कर सकते हैं और बढ़िया से बढ़िया अध्ययन यहां पर करवाया जाता, बढ़िया से बढ़िया प्रैक्टिस करवाई जाती है, बढ़िया से बढ़िया दोस्तों हर एक चीज उपलब्ध करवाई जाती है, ठीक है। तो हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास, इसमें कितने सर्ग हैं? 17 सर्ग हैं। इसके रचनाकार कौन है? अयोध्या से उपाध्याय हरिओत। ये पंजाब मास्टर कैडर में क्वेश्चन आया था पिछली बार कि खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है, तो यही है प्रिय प्रवास, जिसमें कितने सर्ग हैं? 17 सर्ग। कोई रचनाकाल बताएगा इसका, प्रिय प्रवास का रचनाकाल भी आपको बताना है। दिगंबर में कौन सी संधि है? 28 नंबर का क्वेश्चन, जल्दी से बताएं। शिवानी ठाकुर जी, प्रियंका यादव जी, लाइक कर दीजिए। मोहित जी, राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताएं। डाली तिवारी जी, 9098 वाला जो नंबर चल रहा है उसमें आप मैसेज कर सकते हैं और मैं आपको प्रोसेस बता दूंगा, ठीक है। सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लो पहले तो, ठीक है। एडमिशन लेकर के अध्ययन बहुत अच्छे से आप कर सकते हो, ठीक है। और डायरेक्ट संपर्क होता है दोस्तों, ये नंबर चल रहा है, डायरेक्ट हमसे ही बात होगी आपकी, किसी से बात नहीं होने वाली, डायरेक्ट हमसे बात होगी। कोई भी प्रॉब्लम जाती है हमसे ही बात होगी आपकी। ऐसा नहीं है कि आपने देखा होगा कि जब आप बड़ी बड़ी कोचिंग में एडमिशन लेता, आप नंबर लगाते, आपके कोई डाउट्स रहते तो आप पूछ ही नहीं पाते, ठीक है। लेकिन सेल्फ स्टडी क्लासेस में आपकी समस्या हमारी समस्या होती है, ठीक है। दिगंबर में व्यंजन संधि है दोस्तों, इसका कोई संधि विच्छेद बताएगा क्या हो जाएगा दिगंबर का, बताए राइट आंसर। निर्विकार में कौन सा समास है? 29 नंबर का क्वेश्चन, मनीषा यादव जी, उदय जी, आशा जी, दिनेश जी, राइट आंसर चयन करना, लाइक कर दो, एक बार शेयर भी कर दो अपने साथियों तक। और मंजू जी, सोनू के एम जी, लालू लाली यादव जी, अनु शर्मा जी, निर्विकार में कौन सा समास है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, बिल्कुल सही बताया है प्रमांशु चौधरी जी ने, देख धन अंबर, ठीक है। तो बराबर हो जाएगा दिगंबर और राइट आंसर 29 नंबर के क्वेश्चन में 29 का उत्तर आपका क्या हो जाएगा, 29 का उत्तर क्या हो जाएगा, तो यहां पर है सर कि 29 में जो समास है वो है अव्यय भाव समास। अव्यय भाव समास, समास मैंने बहुत अच्छे से आप लोगों को पढ़ाए हैं, रिकॉर्डेड वीडियो भी उपलब्ध करवाए हैं, ठीक है। तो सी यानी कि अव्यय भाव समास आपका बिल्कुल सही है। समाज शब्द में एक प्रत्यय लगाने पर कौन सा शब्द बनेगा, बताओ। यहां पर शब्द शुद्धि भी आपसे पूछ ली गई, सामाजिक, सामाजिक, समाजिक या फिर सामाजिक, तो बताएं। लाइक करना है निष्ठा त्रिवेदी जी, ममता श्रीवास्तव जी, जो यहां पर दोस्तों लाइव आप कोर्स में देख रहे हैं, आधे से ज्यादा, इतने आधे से ज्यादा साथी हैं जो एडमिशन लेकर के निरंतर अध्ययन कर रहे हैं, ठीक है। ये आधे से ज्यादा साथी, कितने साथी हैं यहां पर, एक बार हाथ उठा के पूरा समर्थन करिए सेल्फ स्टडी क्लासेस परिवार का कि सर हम भी लाइव क्लास में पेड कोर्स में एडमिशन लेके निरंतर अध्ययन कर रहे हैं, ठीक है। आप कुछ नहीं कर सकते तो दूसरे लोगों को प्रोत्साहित भी कर सकते हैं कि निरंतर अध्ययन करिए, एग्जाम आते रहेंगे जाते रहेंगे लेकिन अध्ययन रुकना नहीं चाहिए। तो यहां पर आपका राइट आंसर 30 नंबर का क्वेश्चन है और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आया कि सर सामाजिक लगा दो, ये नंबर लगा दो, ये नंबर आपका बिल्कुल सही है। कौन सा गुणवाचक विशेषण नहीं है, नहीं में बताइए। यहां पर लवली ठाकुर जी, सीताराम जी, सिमरपाल जी, अर्चना लोधी जी, सोनू जी, बहुत बढ़िया, रेखा जी, सुनीता जी, बाहुबली कटप्पा जी, रश्मि पाठक, शिवानी ठाकुर जी, बलजीत जी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, श्वेता जी, हेमानी जी, ठीक है, संतोष जी, बिंदु लता जी, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही है। तो यहां पर जल्दी बता से कौन सा गुणवाचक विशेषण नहीं है, ये बढ़िया सा क्वेश्चन आपसे पूछा गया, 31 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया और उत्तर आपका क्या हो रहा है कि सर मोटा तो है, पीला भी है, सुंदर भी है गुणवाचक, लेकिन ये 10 नहीं है, 10 नहीं है गुणवाचक, यानी कि डी नंबर आपका बिल्कुल सही है, विजय जी, ठीक है। रश्मि पाठक जी, अंधे के हाथ बटेर लगना लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है, पूनम जी, वेरी गुड, जाहिद अली जी, लाइन लगी है दोस्तों,
है ना भावना गंगवार जी, बिल्कुल सही है। आराधना जी, मोहित जी, जया नितवाल जी, अनीता जी, वेरी गुड। ममता जी, अंधे के हाथ बटेर लगना लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? 32 नंबर का क्वेश्चन है और 32 में आपको बताना है तो उत्तर क्या हो जाएगा। अंधे के हाथ बटेर लगना, पूनम सैनी जी बताओ, रजनी शर्मा जी, अनुपम जी, और यहां पर उत्तर होगा कि सर बिना मेहनत के ही उपलब्धि होना, यानी बी नंबर आपका करेक्ट आंसर और राइट आंसर चला जाता है। ठीक है, कृतज्ञ शब्द का सही विलोम शब्द क्या है दोस्तों? कृतज्ञ का विलोम शब्द क्या है? सभी लोगों को बताना है, पूरी मेहनत से आपको पढ़ाई करवाई जाती है दोस्तों। ठीक है, यहां पर एक सेल्फ स्टडी क्लासेस का उद्देश्य ही है कि आपकी निरंतर पढ़ाई चलनी चाहिए और हमें भी दोस्तों रोजगार मिलना चाहिए। ठीक है, तो एक नॉर्मल फीस के माध्यम से आपको यहां पर पढ़ाई करवाई जाती है और साहित्य की बहुत ही श्रेष्ठ। ठीक है, तो यहां पर जल्दी से बताएं राय का आंसर क्या हो जाएगा, कृतज्ञ शब्द का सही विलोम क्या है? 33 नंबर का क्वेश्चन और 33 नंबर में आपका उत्तर जा रहा है कि सर कृतज्ञ शब्द का सही हो जाएगा कृतज्ञ, यानी कि सी नंबर आपका राइट आंसर है, बिल्कुल सही है। महात्मा गांधी का देश सदैव आभारी रहेगा। मैं किस तरह की अशुद्धि है, अशुद्धि बताना है, किस तरह की अशुद्धि है? वाच प्रयोग की अशुद्धि है, क्या है यहां पर अशुद्धि जल्दी से बताइए पटाक से। पुनरुक्ति की अशुद्धि, पद क्रम संबंधी अशुद्धि, संयुक्त क्रिया संबंधी अशुद्धि। महात्मा गांधी का देश सदैव आभारी रहेगा, किस प्रकार की अशुद्धि है? एक क्वेश्चन आपको बताना है, जल्दी से सभी लोग बताएंगे, फटाफट से बताएंगे राइट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा, फटाक से बताओ। लाइक करना है जल्दी से, सभी लोग बताएंगे। और ये 34 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। सभी लोगों ने बताया कि सर ये पद क्रम संबंधी अशुद्धि है, पद क्रम संबंधी अशुद्धि है। सी नंबर आपका करेक्ट आंसर है, राइट आंसर है। कनक कनकते स्वगुणी मादकता अधिकाय में कौन सा अलंकार है, पूछा जाता है, कई बार पूछा जाता है, जल्दी से बताइए उत्तर क्या हो जाएगा। कनक कनकते स्वगुणी मादकता अधिकाय, इसमें अलंकार कौन सा है? अनुप्रास है, यमक है, श्लेष है या फिर उपमा अलंकार है? ये आपको चयन करना है, लाइक करना है और फटाफट से बताना है। 35 नंबर का क्वेश्चन जल्दी से बताइए। 35 नंबर के क्वेश्चन में और सभी लोगों ने बताया कि सर यमक अलंकार लगा दो, यानी कि बी नंबर लगा दो, यमक बिल्कुल सही हो जाएगा। संकीर्ण का सही विलोम क्या है? 36 नंबर का क्वेश्चन, संकीर्ण का सही विलोम शब्द आपको चयन करना है। विश्वास मलिक जी, सीताराम जी, तो यहां पर आपको बता दें मैं दोस्तों कि पूरे भारत से, चाहे कर्नाटक हो, केरल हो, पंजाब हो, हरियाणा हो, हिमाचल प्रदेश हो, राजस्थान हो, उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, यहां से सारे साथी इस क्लास में दोस्तों अटेंड कर रहे हैं इस क्लास को। ठीक है, और इस क्लास में तैयारी कर रहे हैं अपने अपने एग्जाम की, अलग अलग एग्जाम की। पंजाब में मास्टर कैडर, राजस्थान में आरपीएससी, ठीक है, उत्तर प्रदेश में टीजीटी, एलटी ग्रेड, ठीक है, नेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और हरियाणा टेट की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एचपी कमीशन की दोस्तों, झारखंड में टीजीटी की। तो बहुत सारे राज्यों से यहां पर स्टूडेंट एकत्रित हुए हैं और संकीर्ण का सही विलोम क्या है? 36 नंबर का क्वेश्चन है, बढ़िया सा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि संकीर्ण का विलोम होता है दोस्तों विस्तीर्ण होता है, यानी कि डी नंबर आपने बिल्कुल सही लगाया। ठीक है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखो, भाषा शब्द की उत्पत्ति किस धातु से हुई? 37 नंबर का क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया दोस्तों, भाषा शब्द की उत्पत्ति किस धातु से हुई है? देखते हैं कौन कौन सही बताते हैं, जल्दी से बताइए। भाष्य से हुई है, भाष्य से हुई है, भाष्य या फिर भाष्य से हुई है। अमन जी, सभी लोग बताएंगे राइट आंसर, जल्दी जल्दी से बताएं, लाइक करना है, एडमिशन लेना है तो ले सकते हैं। डाली तिवारी जी, भाषा शब्द की उत्पत्ति किस धातु से हुई है? एडमिशन लेने से क्या होता है, एक नॉर्मल फीस आपसे ली जाती है और आप दोस्तों निरंतर अध्ययन कर सकते हैं। जब क्लासें चलती हैं तो आपके मन में एक रहता है, रोज क्लास जब चलती है तो आपके मन में रहता है कि हमें रोज क्लास अटेंड करना है, एक प्रेशर रहता है और बिना प्रेशर के कुछ नहीं होता। जब आपका एग्जाम होता है तो आप पढ़ाई करने लगते हो, जब आपका एग्जाम नहीं होता तो आप पढ़ाई नहीं करते।
और जब आप एडमिशन में दोस्तों आते हो, एडमिशन लेते हो कोर्स में, तो आपके लिए प्रेशर रहता कि हमें क्लास रोज अटेंड करनी है, लाइव क्लास पढ़नी है, रोज टेस्ट लगाना हर संडे, एक वो प्रेशर रहता है, तो आप पढ़ाई निश्चित रूप से करते हो, ठीक है। तो एडमिशन का ये फायदा होता है और साथ ही आपको बहुत बढ़िया बढ़िया ट्रिक मिलती है, रेगुलर अध्ययन चलता है। डी नंबर आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। खड़ी बोली हिंदी का अन्य नाम क्या है? 38 नंबर का क्वेश्चन है, बिल्कुल बताइए जल्दी से, नेट का पेपर सॉल्व नहीं होता। खड़ी बोली हिंदी का अन्य नाम क्या है? बहुत सारे नेट के मैंने करवा दिए, यूट्यूब पर डले हुए हैं। आशा कुमावत जी, खड़ी बोली हिंदी का अन्य नाम क्या माना जाता है? सौरभ मौर्य जी बताइए, तनु जी 38 नंबर के क्वेश्चन में, और लाइक कर दीजिए सभी साथी, यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। बिल्कुल नितिन सागर जी है हमारे, ठीक है। राहुल जी, विजय चौहान जी, 38 नंबर का क्वेश्चन, और आपको पता कि सर इसे क्वर्बी कहा जाता है। मैंने आपसे पूछा था कि इस खड़ी बोली को क्वर्बी किसने कहा, क्वर्बी नाम किसने दिया बताइए। रितेश जी, वर्ष 1955 में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? 39 नंबर का क्वेश्चन, सरोज सिबी जी बताइए, राइट आंसर बताना है। उत्तर यहां पर क्या हो जाएगा? हिंदी साहित्य और साहित्य समाज का दर्पण होता है दोस्तों। साहित्य को तो सभी लोग पढ़ें, और साहित्य मैं बता रहा हूं कि जब से बहुत सारे साथी ये कहते हैं कि सर मुझे साहित्य बहुत कठिन लगता था, जब किताब खोलते थे तो ऐसा लगता था कि अलग रख दो, रचनाओं के सन याद नहीं होते थे, रचनाएं याद नहीं होती थी, जब से सेल्फ स्टडी क्लासेस से जुड़े हैं रचनाएं दोस्तों रट गई हैं, रचनाओं के सन याद होने लगे, कवियों के जन्म क्रम याद होने लगे, ठीक है, जो कि नेट में बहुत सारे पूछे जाते हैं। तो 1955 में पूछा गया, 39 नंबर के लिए पूछा गया, और 39 नंबर में आपका सीधा आंसर जा रहा कि सर बीजी खैर लगा दो, ये नंबर लगा दो सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, आकाशदीप कहानी संग्रह है किसका है? 40 नंबर का क्वेश्चन, पूनम सैनी जी बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा यहां पर, सभी लोग बताएं। निशा वर्मा जी, और शेयर भी कर दो सभी साथी, आकाशदीप कहानी संग्रह के रचनाकार कौन है? 40 नंबर का क्वेश्चन है, नीचे लिंक दी है ऐप की, सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप की, डाउनलोड करें दोस्तों फटाफट से। और आकाशदीप कहानी संग्रह के रचनाकार कौन है दोस्तों? बहुत सारी कोचिंग आपने पढ़ी होगी, बहुत सारी चीजें, कई जगह एडमिशन लेकर दोस्तों आपने पढ़ाई की होगी, लेकिन सब जगह से उदास होकर जब सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप में आते हैं तो दोस्तों आपको मजा आने लगता है पढ़ाई करने में, है ना। बहुत सारे साथियों के मुंह से मैंने खुद सुना है, फोन लगा के बताते हैं कि सर जब तक क्लास नहीं होती मन नहीं लगता, ऐसा लगता है कि कुछ छूट रहा है, दिन में कुछ छूट रहा है, कुछ भूल रहे हैं, ठीक है। तो आकाशदीप कहानी संग्रह ये किसका है? 40 नंबर का क्वेश्चन आपको बताना है, और 40 नंबर में आपका सीधा आंसर जा रहा कि सर जयशंकर प्रसाद, जिनका जन्म 1889 में हुआ था, 1889 में। प्रसाद ने तीन उपन्यास लिखे थे दोस्तों, कंकाल, तितली और इरावती, जिनको आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, याद भी करना। बी नंबर आपका बिल्कुल सही है, राजा निर्वसिया बताना है, राजा निर्वसिया, सिमी टंडन जी, राजा निर्वसिया कहानी के रचनाकार कौन है ये आपको जल्दी से बताना है। तो राजा निर्वसिया कई बार पूछा गया, 41 नंबर का क्वेश्चन है। आयुष प्रजापति जी, अमिता राणा जी बताएं क्या हो जाएगा, रावंत जी, दिनेश कुमार जी, 10 तारीख तक ये ऑफर दिया गया है आप लोगों को, 10 अप्रैल तक, 1200 में 12 महीने। जिन भी साथियों को एडमिशन लेना है बिल्कुल भी नहीं सोचना यार, 1200 रुपए आपके लिए नॉर्मल फीस रखी गई, ऑफर दिया गया कि हमारे वो सभी साथी आ जाएं और सभी साथी पढ़ें, 5000-10000 फीस वाली कोई बात नहीं यहां पर, ठीक है। तो राजा निर्वसिया कहानी के रचनाकार कौन है, 41 नंबर का क्वेश्चन, और बहुत ही बढ़िया है कि सर कमलेश्वर है, ये सी नंबर आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। सचेतन कहानी आंदोलन के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं, 42 नंबर का क्वेश्चन, महीप से, गंगा प्रसाद, विमल अमृत राय या फिर राकेश वत्स माने जाते हैं। प्रियंका जी, रिंकू वर्मा जी, 42 नंबर का क्वेश्चन है। सुनीता चौधरी जी, सचेतन कहानी, और मैंने इसको याद भी करवाया था, ट्रिक भी बताई थी आपको, बताइए क्या ट्रिक बताई थी वो भी आपको बताना है, बताए। राजकुमारी जी ठीक है, चयन करिए। आशा जी, प्रियंका जी, दीक्षा जी, मुनमुन जी, बुलडोजर बाबा जी आ गए हैं, बहुत बढ़िया। सचेतन कहानी 42 नंबर का क्वेश्चन, और सीधा आंसर जा रहा है कि सर आपने याद किया था कि सचेत रहते थे जब माही क्या करते थे, विकेट कीपरिंग करते थे, तो बल्लेबाज क्या रहते थे, सचेत रहते थे बल्लेबाज, जब माही से क्या बनेगा, महीप से,
ए नंबर, ठीक है, चमार की चाय कहानी के लेखक कौन है? चमार की चाय, बोले सर चमार की चाय के लिए तो बेचैन है निर्मला यादव जी, ठीक है बताइए। यहाँ पर बनवारी लाल जी भी है राजस्थान से, बहुत बढ़िया। राहुल राज जी बताइए चमार की चाय कहानी के लेखक कौन है? संध्या शिवाजी मुकनद जी, प्रेमांशु जी। लाइक करते हुए शेयर करिए सभी साथी, हमारे जितने भी साथी हैं दोस्तों, सेल्फ स्टडी क्लासेस परिवार से जुड़े रहें, अध्ययन करते रहें, हम आपके लिए और आप हमारे लिए इसी प्रकार से जुड़े रहें। सेल्फ स्टडी क्लासेस परिवार को बहुत बड़ा परिवार बनाना है और सभी साथियों को जोड़ना है। चमार की चाय कहानी के लेखक कौन? इतना अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा गया, इतना बढ़िया सा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, तो एक बार जल्दी से क्यों ना यहाँ पर लाइक कर दी जाए, शेयर कर दिया जाए। और हम बोले सर शिवराज से बेचैन, बेचैन है चमार की चाय के लिए। डी नंबर, रक्षाबंधन कहानी के रचनाकार कौन है? 44 नंबर का क्वेश्चन है, सभी लोग बताएंगे, शेयर भी कर दो, अपने सभी साथियों को बता दो कि 15 अप्रैल से न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है। शुरुआत से आपको पढ़ाएंगे, हिंदी भाषा से आपको पढ़ाएंगे, देवनागरी लिपि पढ़ाएंगे, हिंदी साहित्य के लेखन के स्रोत पढ़ाएंगे, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल पढ़ाएंगे, भारतेंदु, द्विवेदी योग, ठीक है, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, ठीक है, नवगीत, साठोत्री कविता, ये सारी की सारी चीजें पढ़ाएंगे, निबंध, नाटक और दोस्तों उपन्यास, कहानी, आत्मकथा, इनका पूरा नंबर क्रमबद्ध आपको पढ़ाया जाएगा। रक्षाबंधन कहानी के रचनाकार कौन है? ये 44 नंबर का क्वेश्चन है। और रक्षाबंधन में आपने बताया कि सर रक्षाबंधन तो विश्व में मनाई जाती है, विश्व भर में मनाई जाती है, तो विश्वंभरनाथ शर्मा कौशिक, यानी कि ये नंबर बिल्कुल सही है। इन मुसलमान हरिजनन पर कोटिन हिंदू बारिये, 45 नंबर का क्वेश्चन, ये पंक्ति किसकी या किससे ली गई है दोस्तों, किस रचना से ली गई है? किरण गुप्ता जी, विवेक यादव जी बताइए, सविता जी, किस रचना से ली गई है? फटाफट से बताइए, फटाफट से बताना है। यहां पर 45 नंबर का क्वेश्चन है, सभी लोग बताइए, जल्दी जल्दी से बताना है, लाइक करना है, फटाफट से। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, ये भारतेंदु जी को अपन को याद करना है। भारतेंदु जी की ये पंक्ति है, भारतेंदु जी की पंक्ति तो आप पढ़ते ही होंगे। भारतेंदु जी को पता ही है कि 1850 में इनका जन्म हुआ और 1885 में दोस्तों इनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई, ठीक है। और ये जो पंक्ति ली गई है 45 नंबर के क्वेश्चन में, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, उत्तरार्ध भक्तमाल, यानी कि डी नंबर, राइट, बहुत बढ़िया। अयोध्या से उपाध्याय हरिओत की प्रथम रचना कौन सी है? प्रथम रचना बताना है, प्रिय प्रवास है, प्रिय प्रवास है, जल्दी से बताएं। 46 नंबर का क्वेश्चन है, फटाफट से, लखविंदर जी, राजकुमार जी, सीमा जी, सविता जी, अयोध्या से उपाध्याय हरिओत जिनका जन्म हुआ था दोस्तों कब? 1865 में, 1865 में जन्म हुआ, ठीक है। इन्होंने एक दोस्तों इनकी प्रथम जो रचना मानी जाती है कृष्ण शतक मानी जाती है, रसकलश इनकी नायिका भेद से संबंधित रचना मानी जाती है दोस्तों, रसकलश। और प्रिय प्रवास इनका खड़ी बोली, हिंदी का खड़ी बोली का दोस्तों प्रथम महाकाव्य माना जाता है, जिसका रचना काल आपको ही बताना है, 17 सर्गों के साथ अयोध्या से उपाध्याय हरिओत की प्रथम रचना पूछी गई तो कृष्ण शतक लगा देना, ठीक है, ये भी याद कर लेना। वैदेही वनवास, वनवास भी इनका प्रबंध काव्य दोस्तों, तो यहां पर आपका उत्तर हो जाएगा, यहां पर उत्तर हो जाएगा कृष्ण शतक। नेक्स्ट है, खड़ी बोली के समर्थकों को हटी और मूर्ख किसने कहा? 47 नंबर का क्वेश्चन, जल्दी से बताएं। दिनेश कुमार जी लाइक करिए, ये क्लास रोज रात्रि 9 बजे होती है और नीचे लिंक दी है सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप की, जरूर डाउनलोड करिए सभी साथी। खड़ी बोली के समर्थकों को हटी और मूर्ख किसने कहा है? 47 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों। कल से लेकर 10 तारीख तक, कल से लेकर 10 तारीख तक 10 टेस्ट, 10 तारीख तक दोस्तों एक टेस्ट आपको सभी साथियों को फ्री दिया जाएगा। 10 टेस्ट सेल्फ स्टडी क्लासेस पर फ्री दिए जाएंगे, ठीक है। तो आप एडमिशन भी नहीं लेते तब भी उसमें आपको फ्री टेस्ट दोस्तों मिलने वाले हैं। तो कल से लेकर 10 टेस्ट आप फ्री लगा सकते हैं और बहुत सारे टेस्ट भी उसमें उपलब्ध है। समय समय पर प्रतियोगिताएं भी होती रहती हैं। तो सेल्फ स्टडी क्लासेस बढ़िया आपके लिए प्रैक्टिस के लिए दोस्तों बना हुआ है। एडमिशन भी ले सकते हैं और दोस्तों फ्री में भी पढ़ सकते हैं। खड़ी बोली के समर्थकों को हटी और मूर्ख किसने कहा? 47 नंबर का क्वेश्चन है और उत्तर हो जाएगा जगन्नाथ दास रत्नाकर ने, यानी कि आपका उत्तर बी नंबर चला गया। बिल्कुल सही बताया है सविता जी, राहुल जी ने, ठीक है। कौन सी रचना भारतेंदु की नहीं है? प्रश्न क्रमांक 48 में बताइए। 48 का क्वेश्चन है और यही प्रश्न पूछा गया था दोस्तों, बताओ
48 में कौन सी रचना भारतेंदु की नहीं है, ये क्वेश्चन पूछा गया मंजीत जी, और ये क्वेश्चन शायद पूछा गया था टीजीटी या पीजीटी में, कौन से एग्जाम में पूछा गया था। आशा जी, सुनीता रानी जी, सभी लोग बताएं उत्तर क्या हो जाएगा, हो जाएगा निम्न में से कौन सी रचना भारतेंदु, सभी साथी बताएंगे जल्दी से राइट आंसर क्या है, कौन सी रचना भारतेंदु की नहीं है। इतना अच्छा क्वेश्चन पूछा गया 48 नंबर में, और उत्तर हो गया कि सर अपवर्ग पंचक तो है, दान लीला भी है, विजय बल्लरी भी है, लेकिन ये प्रेम संपत्ति लता नहीं है। तो प्रेम संपत्ति लता किसकी है बताओ, मैंने कई बार आपको बताया बाल गोविंद जी, प्रेम संपत्ति लता के रचनाकार कौन है, प्रेम ही जिनकी संपत्ति है वो कौन है, ठाकुर जगमोहन विश्वास मलिक जी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, जनता जनार्दन बिल्कुल बहुत होशियार हो गई आजकल। भारतेंदु की खड़ी बोली में रचित कविताओं का संग्रह कौन सा है दोस्तों, भारतेंदु जी जिनके नाम पर दोस्तों भारतेंदु युग का नाम पड़ा, जहां पर दोस्तों गद्य की विधाओं का उदय होता है भारतेंदु युग से ही माना जाता है, और सबसे पहले नाटक का उदय होता है, ठीक है। तो भारतेंदु की खड़ी बोली में रचित कविताओं का जो संग्रह है, ये क्वेश्चन कई बार आया है। रमेश जी सभी लोग बताएंगे, श्वेता जी राइट आंसर क्या है यहां पर, भारतेंदु की खड़ी बोली में रचित कविताओं का संग्रह कौन सा, 49 नंबर का क्वेश्चन है, और सभी लोगों का आंसर आया है कि सर खड़ी खड़ी हमने फूलों का गुच्छा, हमने खड़े खड़े फूलों का गुच्छा उठा लिया, खड़े खड़े क्या उठा लिया, फूलों का गुच्छा। तो यहां पर खड़ी बोली और खड़े खड़े फूलों का गुच्छा उठा लिया, तो सी नंबर आपका बिल्कुल सही है। लाल टीन की छत किसका उपन्यास है, 50 नंबर का क्वेश्चन, लाल टीन की छत के नीचे आपको कैसा लगता है। अब जैसे धूप चल रही है, धूप में बहुत धूप में आए हो आप, और लाल टीन की छत के नीचे आपको खड़ा कर दिया जाए, धूप में से आए हो, तो आपको कैसा लगेगा, कैसा लगेगा बताइए जल्दी से, फटाफट से बताइए राइट आंसर। जसबीर जी, विजय जी, पिंकी जी, मोकनाथ जी बताएं, उदय जी, रजनी बाला जी, संतोष जी, अनिल तिवारी जी की लाल टीन की छत के नीचे तो बड़ा निर्मल निर्मल लगेगा, बोले सर निर्मल निर्मल लगेगा, क्योंकि हम धूप में से यहां से आए हैं, हम लाल टीन की छत के नीचे गए तो हमें निर्मल निर्मल लग रहा है। तो लाल टीन की छत उपन्यास किसका होगा, बोले सर निर्मल वर्मा का होगा, ठीक है। तो सभी साथियों को धन्यवाद, मैं आपको बता दे रहा हूं कि ये दोस्तों हिंदी साहित्य का ट्रिकी नोट्स, जिनको भी मंगवाना है घर बैठे मंगवा सकते, एक सप्ताह में आपके घर पहुंच जाएंगे नोट्स, ठीक है। नोट जैसे यहां पर पोस्ट होंगे, आपको दोस्तों ट्रैकिंग आईडी भी दी जाती है, जिससे आप ट्रैक कर सकते हो अपने नोट्स को, ठीक है। उसके बाद सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप, जिसकी लिंक नीचे आपके कमेंट बॉक्स में दी है, आप इसको डाउनलोड कर लें, ठीक है। बहुत सारी दोस्तों टेस्ट सीरीज आने वाली है नवरात्रि के समय पर, आप दोस्तों टेस्ट लगा सकते हैं, ठीक है बिल्कुल। और मास्टर कैडर की बात करें तो मास्टर कैडर वाले साथी 599 में मॉडल पेपर परचेस कर सकते हैं, 4500 प्रश्नों के मॉडल पेपर, ठीक है, जो आपके लिए बहुत ही सटीक मॉडल पेपर बनाए गए हैं। और ये 15 अप्रैल से नया बैच स्टार्ट हो रहा है, जिसमें ऑफर 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 है, ऑफर की भरमार है, यानी कि 1200 में 12 महीने कोई संस्थान कोई कोचिंग आपको ये नहीं देगा, है ना। और ये बिल्कुल भी मत समझना कि ये सस्ता है तो अच्छा नहीं होगा, एक बार आइए अपने साथियों से पूछिए, ठीक है, जिन्होंने एडमिशन लिया उनसे पूछिए, ये सस्ता है और सभी साथियों के लिए बनाया गया है, सामंजस्य के लिए बनाया गया कि सभी साथी इसमें एडमिशन ले सके, सभी साथियों के लिए, किसी के लिए ये बोझ ना पड़े कि हम 5000 दे रहे हैं और पढ़ाई अगर अच्छी ना हुई तो क्या करेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पर पढ़ाई भी अच्छी होगी, साल भर निरंतर अध्ययन भी अच्छा होगा, टेस्ट भी अच्छा एक अच्छे करवाए जाएंगे, और बिल्कुल मस्ती तरीके से पढ़ाया जाता है, मस्त तरीके से, ठीक है, व्यवहारिक तरीके से यहां पर पढ़ाया जाता है। शशि ठाकुर जी, रेखा जी, अनुराग जी, माया राम, श्वेता जी, शशि, जो भी हमारे साथी इच्छुक हैं बिल्कुल एडमिशन लें और आराम से पढ़ें, बढ़िया तरीके से मस्ती से मौज मस्ती से पढ़ें। हमारे बहुत सारे साथी हैं जिन्होंने एडमिशन लिया है, ठीक है। शिवानी ठाकुर जी है ना, प्रेमचंद्र जी, कार्तिक जी, अनुराज जी, सिमी जी, बाल गोविंद, दारसू जी, नीतू जी, उदय यादव जी, सभी साथियों को धन्यवाद, अच्छे से पढ़ें, पढ़ते रहें। उपमा जी, और दोस्तों हमारा उद्देश्य रहता है, जब हमारे लिए दुगनी खुशी होती है जब कोई कहता है कि सर हमने आपसे पढ़ा था और हमारा सिलेक्शन हो गया, डबल खुशी हो जाती है कि चलो हमारे पढ़ाए हुए बच्चे का सिलेक्शन तो हुआ है ना। बहुत सारे साथियों का सिलेक्शन हुआ, पंजाब मास्टर कैडर की बात करें तो पिछली बार कई साथियों का सिलेक्शन हुआ, पीजीटी पीजीटी की बात करें दोस्तों है ना, अभी उत्तराखंड एलटी में कई साथियों का सिलेक्शन हुआ, तो बहुत सारे। और हमें भी दोस्तों यही उद्देश्य हमारा रहता है
कि हमारे जितने भी साथी पढ़े कुछ ना कुछ सीख कर जाए और निश्चित रूप से उनका सिलेक्शन हो। इसी भावना के साथ हम आपको पूरी मेहनत से पढ़ाते, पूरी दम से पढ़ाते हैं, है ना, ताकि आप बहुत सारी चीजें सीख सको और कम समय में हम बहुत सारी चीज आपको दे सकें। ठीक है, तो बहुत बढ़िया जसवीर जी, लवली जी, राजकुमारी जी, सभी साथियों को धन्यवाद। अपने सभी साथियों को बताएं एक बहुत ही अच्छा संस्थान जो आपके लिए कम फीस में बहुत अच्छी चीजें उपलब्ध करवाता है, वो है सेल्फ स्टडी क्लासेस। ठीक है, तो सभी साथियों को धन्यवाद।